दोस्तों, आज मैं एक ओवरलोड रिले के बारे में बताऊंगा। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं रवि यादव जी, ने कमेंट किया था जी हमें ओवरलोड पे वीडियो बनाओ। तो आज मैं ओवरलोड रिले लिया हूँ। ये है एवेंटी कंपनी की RTO 3। ये एक ओवरलोड रिले है जो कि स्टार्टर में हम यूज करते हैं मोटर के प्रोडक्शन के लिए। ये इसकी सबसे पहले तो हम पॉइंट कंफर्म कर लेते हैं। इसमें है 94, 96, 95, 97, 98 यानी 94, 95, 97, 98। तो ये जो पॉइंट है 94, 95, 98, ये 94 जो है वो कॉमन है और 96 है जो कॉमन है और 94 जो ONO है और 95 NC है और 97, 98 NO है। ये 97, 98 किसी भी कंपनी में रिले में किसी भी कंपनी के रिले में ये नंबर सेम होता है। और ये 97, 98 हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज को ट्रिप कराना है या हमें ट्रिप इंडिकेशन लेना है। 97, 98 ये नंबर सेम होता है, चाहे वो स्नाइडर का हो या चाहे वो सीमेंस का हो, चाहे वो L&T का हो, चाहे वो स्नाइडर का किसी भी कंपनी का हो, उसमें 97, 98 सेम होता है। अब बात है आ गई ये 94, 95 और 96, ये पॉइंट सब में नहीं होता है, पर 95 और 96 दो होता है, 94 नहीं होता है। ये सिर्फ L&T में ही आता है और कोई कंपनियां नहीं देता है। ये जो 94 है ये इसलिए इसमें यूज किया है ताकि हम इस बटन से अगर हम पुश बटन लगाना चाहें तो अलग से भी लगा सकते हैं। अगर चाहेंगे कि हम इससे ऑन ऑफ करें तो इससे भी हमारा जो कंडक्टर है यहाँ से ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ऑन हो सकता है। तो हम और भी फंक्शन देख लेते हैं, और भी इसमें फंक्शन है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये हमें करंट की रीडिंग सेट करना है, कितने एम्पीयर यहाँ पे चलानी है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये जो होल ये है ट्रिपिंग की, जब हम मैनुअली ट्रिपिंग करना है तो हम यहाँ से ट्रिप कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर है येलो वाली बटन, वो है कि हमें ऑटो में रखनी है रिले को या मैनुअल में रखना है। मीन्स ये है अगर मैनुअल में रख देते हैं, अगर ट्रिप होता है तो हमें खुद आके यहाँ से ओवरलोड रिले को रीसेट करना पड़ेगा। पर ये ऑप्शन सभी कंपनियों में नहीं होती है, सिर्फ L&T में ही होती है। L&T का कोई भी ओवरलोड रिले लोगे ये फंक्शन आएगा ही आएगा। अगर और ऑटो में ये होता है कि जब हम ऑटो में कर देंगे तो ये जो जो रीसेट वाली है वो अपने आप रीसेट हो जाएगी। और यहाँ पे ये है मैनुअल ट्रिपिंग के लिए, ताकि हम इसको मैनुअल में करके और इधर हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा रिले मैनुअल में ट्रिप होता है कि नहीं होता है। और ये आप आगे देख रहे हैं, ये एक बटन दिया हुआ है, ये लॉक करने के लिए है, ताकि हम जब भी इसको अपने स्टार्टर को लॉक करना चाहते हैं ताकि और कोई ना चलाए तो हम यहाँ से लॉक कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये बटन दब गया है, अब कोई भी आएगा अपना स्टार्टर चलाएगा ऑन नहीं होगा। ये जो फंक्शन है जो ऑटो मैनुअल की यहाँ पे, ये L&T में ही होता है, बाकी स्नाइडर और कंपनियां नहीं देती है, वो सारा ऑटो रीसेट होता है। और अब हम इसको पॉइंट का टेस्ट कर लेते हैं। इधर आप देख रहे हैं ये तीन पत्तियां निकली है, ये कंडक्टर साइड शॉर्ट होते हैं और ये है आउटपुट साइड, इधर मोटर की तार लग जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं ये अपना ये पॉइंट कैसे कैसे वर्किंग करता है। हम यहाँ इंडिकेटर लगा लेते हैं समझने के लिए ताकि ये कैसे कैसे काम करता है। ये अपना मैंने इंडिकेटर जोड़ दिया है, ये रेड लिया है और येलो लिया है और ग्रीन लिया है, तो हमने इसको न्यूट्रल दे रहे हैं। ये बल्कि ऑन तो ऑफ होगा नहीं, पर ये हमें पता लग जाएगा कि हाँ कौन सी बटन से हमें क्या कौन सी इंडिकेटर ऑन हो रही है। तो आप देख रहे हैं ये मैंने जो न्यूट्रल है वो मैंने ग्रे वायर ली है और जो फेस है वो मैंने रेड वायर ली है। ये देखिए अब मैंने न्यूट्रल सारे में घुमा दिए और ये रेड वायर है जिसको हम 96 पर देंगे। 96 मेरा कॉमन है, कॉमन पॉइंट है, इसको हमें 97 पे भी लूप करना पड़ेगा।
ये हमें 97 पे ही लूप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दो तार लगा लेते हैं। बाकी इसमें कोई एमसीबी के तरह और एमसीसीबी के तरह कोई पॉइंट नहीं होती है, जो अंदर से कट होती है। यहाँ पे एक थर्मल पत्तियाँ लगी होती है जो कि एम्पेयर हमारे सेट करने के बाद हीट होते हैं, हीट करके पत्तियाँ बेंड हो जाती हैं तो हमारा स्टार्टर ट्रिप हो जाता है। देख रहे हैं ये 96 और 97 पर मैंने फेस दे दिया। अब मैंने ये यहाँ मैं 95 से उठाऊंगा वायर, 95 से उठाऊंगा। ये 95 में हमें परमानेंट सप्लाई मिलता है। मैं बस रिले का ही फंक्शन बता रहा हूँ आपको, मैंने अगले वीडियो स्टार्टर पे बनाऊंगा, वहाँ पे अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा। मैं खाली ओवरलोड रिले का ही बताऊंगा मैं। तो ये मैंने रेड पे दे दिया, ये रेड पे दे पे रेड परमानेंट चलेगा, ताकि ये पॉइंट एन सी है। इस करके मैं इंडिकेटर लगाया कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, नहीं तो मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं लगेगा। तो आपने ब्लू वायर देख रहे हो, मैंने रेड में लगाई है, जो कि स्टिकर लगाया ऑन, वैसे ये ऑन का नहीं है, स्टिकर नहीं लगेगा यहाँ पे। और हमने एक येलो वायर ले उठाएंगे, येलो वायर उठाएंगे 97 से। हमें यहाँ 97 पे लगा दें, सॉरी 98 पे, 97 पे हमने फेस दे रखा है। फेस दे रखा है और ये मैं 98 से उठाया। ये पॉइंट होती है 97 और 98, ये किसी भी कंपनी में सेम होती है। ये हम ट्रिपिंग इंडिकेशन के लिए, या कोई रिले हमें यहाँ से ट्रिप करानी है, जैसे हमारा मोटर ओवरलोड हो गया तो हमारे को यहाँ से ट्रिप इंडिकेशन मिल जाता है। ये किसी भी कंपनी में आप लेंगे तो नंबर सेम ही होगा, 97 और 98। इसके बाद हमने ये 95 ले लिया, अब 94 रह गया। 94 पर हमने ग्रीन वायर लगा देते हैं ताकि आपको वीडियो में दिखे। बाकी मैं एक छोटा सा वायरिंग बना देता हूँ इसके पॉइंट के ऊपर, ताकि उससे भी आपको कुछ समझ में मिले। ये मैंने 94 पे लगा रहा हूँ ग्रीन वायर। ये 94 नहीं होता, किसी भी एलएनटी में लोगे, एलएनटी के रिले में होती है, बाकी और किसी रिले में नहीं होती है 94 पॉइंट। 95 होती है, सब रिले में होती है, एनसी पॉइंट होती है। जब हमारे रिले ओवरलोड होता है तो हमारा 95 की सप्लाई कट जाती है, 97 98 में सप्लाई आ जाती है, 97 98 ट्रिप पे हो जाती है। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है ये। और सप्लाई ऑन कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं अभी ये 96 से सप्लाई निकल रही है। ये एनसी रहता है ताकि हम इसको ऑफ के ऑफ पे ले जाते हैं यहाँ से फेस उठा के, ताकि हमारा स्टार्टर चले। और ये 94 इसमें एक पॉइंट 8 है जो कि ये इस कंपनी में ही रहता है, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई मतलब हम पुश बटन नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ये स्टार्ट की है, ठीक है। अब आ गई 95 96 और 94 95 96 कंफर्म हो गया। ये जो 96 होती है वो ऑफ की लिए होती है, यहाँ से परमानेंट सप्लाई निकलता रहता है, ट्रिप होने के बाद यहाँ से ऑफ हो जाता है। जो 94 है वहाँ वो अपने को एलएनटी के रिले में ही मिलेगा और किसी के रिले में नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो 97 98 है वो ट्रिपिंग के पॉइंट है। तो यहाँ पे हम ओवरलोड, कोई ऐसा लोड नहीं है जो मैं ओवरलोड करके आपको दिखाऊं, पर इसमें सेटिंग है मैनुअली की, हम मैनुअल में इसको ट्रिप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये शीशा लगा हुआ है छोटा सा, ये अभी ऑटो में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो में ये ट्रिप नहीं होगा, तो इसको हम मैनुअल की तरफ कर दिया। अब इसको हम मैनुअल में ट्रिप करेंगे। इस पत्ती को हमने थोड़ा सा घसकाया, ये ट्रिप नहीं हो रहा है, पतला सा
चाहिए, ये ऐसे इससे हो जाएगा ट्रिप। ये देखिए ये ट्रिप हो गया। ट्रिप होने के बाद ये जो 95-96 होता है सब में होता है, सब बिल्डिंग के बाद इसमें सप्लाई नहीं आती है और 97-98 एनसी बन जाता है। अब हम इसको मैनुअली में है तो ये कभी रिसेट नहीं होगा। अगर ऑटो में होगा तो जितने पत्तियां जब ठंडी होने के बाद ही ऑटोमेटिक रिसेट हो जाता है अगर ऑटो में रखेंगे तो। पर ये ऑप्शन एलएनटी में होता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ताकि याद रहे। और जब हम इसे रिसेट करेंगे तो ट्रिपिंग वाले इंडिकेटर बंद हो जाएगा और रेड वाले इंडिकेटर जलने लगेगा। ये 95-96 शॉर्ट हो जाती है। ये देखिए ये बंद हो गया ट्रिपिंग वाली और ये जलने लगा। अब इसको थोड़ा सा आपको ड्राइंग बना के समझाता हूँ। अपना जो भी मैं रिले बताया इसका पॉइंट ऐसे है, आप जैसे चेंज ओवर आप देखे होंगे तो इसका पॉइंट ऐसे है, ये पॉइंट शॉर्ट है यहाँ से। तो ये है अपना 96 नंबर और यहाँ पे आ जाता है 95 नंबर और यहाँ पे है 94 नंबर। तो आप देख रहे हैं जो 96 और 95 ये शॉर्ट है और इसी के साथ एड है, इसी के साथ एड है 97 और 98। आप ये देख सकते हैं ये पॉइंट हो गए जो हमने ऐसे बनाया। जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ से हम 97-98 ट्रिपिंग के लिए यूज कर सकते हैं और ये 96 और 95 जब ये ट्रिप ओवर करेंट होने के बाद ये शॉर्ट हो जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगी। ये मतलब यहाँ जो फेस देंगे ये हट जाएगी, यहाँ जुड़ जाएगा। तो आप ये रिले में देख सकते हैं, ये एलएनटी में मिलेगा आपको जो 94 नंबर है। बाकी जो स्नाइडर और लीग्रैंड या सीमेंस जो भी आती है उसमें ऐसे होते हैं 95। ये शॉर्ट होते हैं, नीचे होते हैं 96 और इसी के साथ शॉर्ट होते हैं 97। एन होता है ये 98। अब तो उम्मीद होगा कि आपको समझ में लगी होगी। अगर कोई चीज मेरे से छूट गया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा मेहनत सफल हो जाए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ।